हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्जुन कोचिंग क्लासेस। अर्जुन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोग को एक नॉलेज देना चाहूँगा, यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। ये खम्भे का मतलब क्या होता है, खम्भे में जो दिखाया रहता है नंबर, उसका मतलब क्या होता है। कई वीडियोज़ में आप लोग शायद देखे भी होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। एक ट्रैक मैंने आप लोग को एक ट्रैक की जानकारी दे रहे हैं। देखिए, जो 900 लिखा है किलोमीटर होता है, ठीक है। कहीं बहुत लोगों को नहीं पता है कि ये किलोमीटर कहाँ से होता है। 900 बाई 6 है। हर एक सेक्शन जो होता है एक स्टेशन का, है ना, जैसे राजनांदगांव स्टेशन में मैं हूँ, राजनांदगांव से बाकल लगभग 7-8 किलोमीटर का दूरी है, ठीक है। हर एक स्टेशन से दूसरा जो स्टेशन है, या DTM बोला जाता है, दूसरा जो गैंग होता है, उसमें 8 किलोमीटर का फर्क होता है, ठीक है। तो ये जो किलोमीटर है ये उसी को दर्शाता है कि जैसे 900 है तो आगे 908 होगा, 916 होगा, है ना, ऐसे ऐसे में स्टेशन रहते जाएंगे। लेकिन ये जो 900 है ये किलोमीटर कहाँ से है, ये चीज मैं बताना चाहूंगा। तो जो दोस्तों, बहुत लोगों को नहीं पता है, ये जो 900 है ये आप लोगों का हावड़ा से डिस्टेंस है, ठीक है। हावड़ा जंक्शन से ये डिस्टेंस है, और रोड डिस्टेंस नहीं दोस्तों, ये है ट्रेन मतलब ट्रेन रूट डिस्टेंस है, ठीक है। तो यही एक छोटी सी जानकारी थी आज के वीडियो के लिए। ऐसे ही वीडियो के लिए आप लोग बने रहिए मेरे साथ और अर्जुन कोचिंग क्लासेस में, और आप लोग वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि मैं अब पिछले एक महीने से वीडियोस ला रहा हूँ आप लोगों के लिए, इंटरव्यूज ला रहा हूँ और कंटिन्यू लाते रहूँगा, है ना। और आज तो फिलहाल चाबीदारी में हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कैसा है। ठीक है, और आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए। मैं आशा करता हूँ इस समय आप लोग का एग्ज़ाम निकल जाए। कठिन आ रहा है दोस्तों एग्ज़ाम, पर उसको आप लोग टेंशन मत लीजिए कि कठिन आ रहा है ना। जितना बनाइए 60-70 के बीच में अगर मार्क्स आता है आप लोग का, तो 100% आप लोग का फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। 55-60 तक भी आता है तो भी बुलाया जाएगा, और 50-55 तक आता है तो इसका तो मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन कुछ भी हो सकता है। क्या पता एग्जाम का लेवल के हिसाब से आप लोग का परसेंटाइल 60-70 के ऊपर हो, ठीक है। तो कंटिन्यू आप लोग तैयारी करते रहिए, है ना, और मेरे चैनल के साथ में इसलिए जुड़ जाइए क्योंकि रेलवे से रिलेटेड एक एक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आप लोग को घर बैठे आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मैं जब ज्वाइनिंग होना था मेरे को, मैं खुद वीडियोज देखता था कि, और मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिलता था कुछ चैनल से, ठीक है, मैं भी कुछ चैनल्स के वीडियोस देखता था। लेकिन अब मैं खुद स्टाफ हूँ तो आप लोग को मैं कोशिश करता हूँ कि मोटिवेट करूँ, ताकि आप लोग भी एक बेरोजगार से नौकरी करें, और काफ़ी रेप्यूटेड जॉब है रेलवे में। ग्रुप डी स्टाफ में क्या है, थोड़ा लोगों को लगता है कि यार मैं ग्रुप डी स्टाफ हूँ, बट मोस्टली 50-70% कैंडिडेट तो नहीं बोलेंगे, जो स्टाफ है रेलवे में, है ना, ग्रुप सी स्टाफ है, उन लोग ग्रुप डी से ही आगे बढ़ते हैं। ये भी एक सच्चाई है दोस्तों, डिपार्टमेंटल एग्जाम देके, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, है ना, और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और एक बात दोस्तों कि 1 किलोमीटर के दरमियान में, 1 किलोमीटर की दूरी पे कितने खम्भे होते हैं, तो लगभग दोस्तों 18 खम्भे होते हैं, ठीक है, 18 खम्भे होते हैं, एक खम्भा, दो खम्भे, ऐसे करके 18 खम्भे होते तब 1 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो आप लोग अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं 50-60 मीटर के बीच में, है ना, 18×6=1080 इतना मान सकते हैं आप लोग, अप्रॉक्स में 59 point something मीटर, लेकिन कहीं गोलाई में कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, ठीक है दोस्तों। तो चैनल के साथ बने रहिए, और जो भी स्टाफ का मैं इंटरव्यू लेता हूँ दोस्तों, काफ़ी उन लोग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आप लोगों से, है ना, LDC GDC के बारे में भी बताते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम के बारे में बताते हैं, तो उन सभी चीज़ों को ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि आने वाले डेट में आप लोग रेलवे स्टाफ हो जाएंगे कुछ समय में, है ना। हो सके तो कई लोग मुझे भी बोलेंगे कि सर आप बोलते थे कि ट्रैकमैन अच्छा पोस्ट है। दोस्तों मेहनत तो मैं भी कर रहा हूँ, है ना, और करना पड़ता है, और थोड़ा आप लोग को दर्द देगा, मतलब
आप लोग को फिजिकली अगर आप लोग फर्स्ट प्रेफरेंस में डाले होंगे, और बाय द वे कल के डेट में आप लोग ट्रैक मैन आप लोग को मिल जाएगा, खैर पता नहीं है ये सब चीज़, लेकिन आप लोग को फिजिकली फिट होना पड़ेगा। आप लोग दौड़िए, बढ़िया से मेहनत कीजिए, अपने शरीर को बढ़िया तपाइए। हम लोग क्या यहाँ धूप छाँव बरसात सब चीज़ सहते हैं, ठीक है, और आज के डेट में ढल गया हमारा बॉडी, और पहले एकदम धूप लगता था लेकिन अब धूप नहीं लगता। हमको भी हम भी पहले कभी काम नहीं किए थे ऐसा, है ना, मेहनत वाला काम नहीं किए थे, लेकिन धीरे धीरे अपने बॉडी को एडजस्ट करना पड़ता है। क्या है दोस्तों, परिवार को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मेहनत है ना। और जो खेती किसानी करते हैं उन लोग के तो ऐसे ही लगेगा ये काम, मतलब उतना कुछ लगेगा ही नहीं टाइप का है। तो इसलिए आप लोग अपने शरीर को फिट रखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और बने रही चैनल के साथ, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।